अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये बादल थे, तो जब बादल और इस तरह का मौसम हो तो दिल करता है आप कुछ ना कुछ खाएं। और इस टाइम जो है वो आपके सामने सूरज जो है वो ग्रूप होने वाला है और बादल आप देख सकते हो क्वेटा में। अच्छा, मानसून की जो बारिशें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही शुरू हुई हैं। देखिए, यहाँ पर आज जो है वो इतनी बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी सी ही हुई थी, कुछ इलाकों में ज़्यादा हुई। तो मैंने कहा कि वो चले भी इंजॉय करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। और मैं आपको लेके आई हूँ, ये नहीं कोई हाईवे नहीं है, ये आप इतने बड़े बड़े ट्रक देख रहे हैं, कोई हाईवे नहीं है, बल्कि यहाँ हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट में कोई नया आइसक्रीम पार्लर खुला था, तो मैंने कहा चले मैं भी खाती हूँ और आपको भी लेके जाती हूँ और रिव्यू करते हैं। अगर आप क्वेटा में रहते हैं और अगर वहाँ से आप आइसक्रीम खाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। असल जे डॉट पर सेल लगी हुई है 25% अप टू। ठीक है जी, अब हम पहुंच गए जी एयरपोर्ट रोड पे। यहाँ पे पहले ना एयरपोर्ट रोड पर इतना वैरान होता था, यहाँ पे आते हुए डर लगता था, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा होटल भी खुल गए हैं, मैरिज हॉल भी खुल गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों के भी है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोचेस का भी छोटा मोटा अड्डा शड्डा है। तो ओवरऑल जहाँ पे बहुत कुछ हो गया, पहले तो हम छोटे होते थे बिल्कुल भी यहाँ नहीं आते। यहाँ पर EFC जो है, इसका मैंने एक दफ़ा खाना खाया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आपने क्वेटा में ये EFC ट्राई किया, आपको कैसा एक्सपीरियंस है ज़रूर बताइएगा मुझे भी और मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूअर्स को भी। और हम पहुंच गए हैं जी ये नए, इसका नाम है स्नो फ्लैग। वाओ, स्नो फ्लैग आइसक्रीम पार्लर है ये, और इनका छोटा सारा शॉप है और इनका जो मेन्यू आपके सामने है, यानी कि छोटा है, 150 रुपये का है, स्लैश जो है 100 पीस की है। और अगर आइसक्रीम लेंगे तो और उसमें डिफरेंट, यानी कि वलेना आइसक्रीम जो है या सिंपल वलेना जो है वो 100 पीस की है। इसके अलावा आपके ऊपर सर रेट, सारे मैंने रेट आपको बता दिए हैं, तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर अब जैसे ही आता है मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ्लेवर कैसा है। मुझे तो शॉप बहुत अच्छी लग रही है और अच्छा, यानी कि अच्छा। इसमें मैं बताऊँ, फैमिली जो है वो सिटिंग नहीं है, आप गाड़ी में बैठ खा सकते हैं। हाँ, जेंट्स जो है इनके लिए आपके सामने जो रेडेड चेयर्स रखी वो है। मौसम देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे बेकरी वगैरह भी है और मौसम आपको मैं दिखा रही थी, तो यहाँ पर बादल थोड़े थोड़े आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। ये जो वलेना आइसक्रीम है जो 100 पीस की है, अल महमूद के सामने वाले इसमें है सुपर स्टोर के साथ। तो ये रहा जी मैंने फालूदा, स्नो फ्लैग का फालूदा, यम्मी सुपर, कितने ज़बरदस्त लग रहा है ना, पानी आ गया। तो अब मैं खाती हूँ, फिर मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आपने बताना है कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने खाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा इसमें दूध में ना 1 चम्मच आइसक्रीम और फालूदा की आइसक्रीम थी बस। ये पता कितने का था, ये 240 रुपये का था और ये सुपर फ्लॉप थी। आपको लग नहीं रहा होगा मैं फलूदा खाया, ऐसा लग रहा था जैसे आपने दूध के अंदर थोड़ी सेवैयाँ डाली और थोड़ी सी अपनी चीज़ें डाल के रख दी। इससे अच्छा फ्लोरा का है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप क्वेटा में रहते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। हाँ, वलेना जो आइसक्रीम थी 100 पीस की वो सी ठीक थी, लेकिन ये फलूदा सुपर बेकरार। बस हम बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, लोग खोलते जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जी सेब, आपको एयरपोर्ट रोड पे अब सेब की बहार आ चुकी है, बोरियों में सेब मिल रहेंगे। यहाँ से हमने भी सेब वगैरह परचेज़ किए हैं, 500, 400, 300 के, डिपेंड करता है कि कितने साइज़ की आप बोरी ले रहे हो, कितने साइज़ का सेब ले रहे हो। तो हम यहाँ से सेब लेंगे, उसके बाद ही हम घर की तरफ जाएँगे। तो मेरी तरफ से स्नो फ्लैग रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप खाना चाहें तो ज़रूर खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मेरा रिव्यू कैसा था। और अगर आप खा चुके हैं तो भी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। मज़ीद मज़े मज़े के ब्लॉग जो क्वेटा के आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर चुके तो थैंक यू, लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।